मेरे दर्शन को आए हुए भक्तों, मेरा आशीर्वाद तुम्हें रहेगा। अरे वंडू, ये ले मेरा पंडू, ये खाकर ही जाएगी प्यारी गुंडू। आऊं स्वामी, स्वामी बचा लीजिए स्वामी। कौन हो तुम भक्त, उसी बुतों से परेशान लग रहे हो, बताओ क्या तकलीफ है? स्वामी, आंध्र प्रदेश के बाजू में महाराज के बॉर्डर में झपसक गांव में रहता हूँ। एक जमाने में हीरे मोती का व्यापारी था, बहुत बड़ा, पर अब नहीं। मेरा नाम झोल राव है, अब राव नहीं रहा, सिर्फ झोल है और सिर्फ चिल्लर बच्चा है। भिखारी हो गया है क्या? नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, बस कंडक्टर भी ऐसे ही चिल्लर लेके शास्त्र पूछते हैं। हाथ दिखा। राइट साइड, आइए लीजिए। अरे अरे, किस्मत की रेखा बहुत छोटी है मेरे भक्त, तेरे बाल के भौरी को देखकर तेरा नसीब बताता। ओके स्वामी। रेखा मिट गई है, और कोई उपाय है देखकर बताता हूँ। फिर से माला माल नहीं हो सकता वो ऐसे दिखने में नहीं आएगी भक्त, तेरे आगे पीछे कोई है तो क्या जिंदगी भर मैं ऐसे ही मारा मारा फिरूंगा। एक बात बता, तेरा कोई सगा साला है क्या? नहीं स्वामी। तेरा कोई जीजाजी है क्या? है स्वामी, बड़ा दलिद्र आदमी है, उसी की वजह से तो मेरा ये हाल है। उसके बदन पर कोई मस्सा है क्या? मस्सा किस बात के लिए स्वामी? उसके बाई ओर मस्सा हो तो तेरी किस्मत खुल जाएगी, अगर बाई ओर मस्सा हो तो उसकी किस्मत खुल जाएगी भक्त। मतलब अगर मस्सा नहीं होगा तो मेरा ये चांस भी खो जाएगा क्या स्वामी? डरो मत भक्त, उसका भी उपाय है। ऊटी के जंगलों से बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाई हुई अद्भुत जड़ी बूटी है, उसे देता हूँ, पानी में डाल के जीजा जी के बदन पर लगाना, मस्सा नजर आ जाएगा, उसका नसीब खुल जाएगा, तेरा नसीब भी खुल जाएगा, सबका नसीब खुल जाएगा। जल्दी दे दो स्वामी। देता हूँ। अरे भात स्वामी, बदन पे लगाने के बाद थोड़ी खुजली होगी, जीजा जी को बोलना डरना मत। स्वामी अगर मस्सा नहीं मिला, चल जा। मस्सा इसे लगाने से भी नहीं मिला तो मत कर, चल जा। स्वामी जा। स्वामी जाता हूँ स्वामी। सोने जैसे मेरे बेटे, तू पेट भर कर खा। दीदी, अरे भाई तू कहाँ चला गया था, ये हाथ में क्या लेके आया है? अरे कुछ भी नहीं, तुम इधर उधर की बातें मत करो ना, रस्ते में मछली बिक रहा था, होलसेल के भाव से तो लेते आया हूँ। दीदी, मेरे शरीर पे होते मस्से बनते अच्छे अच्छे किस्से, किस्से होते मस्से।